गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी री ओपन होने जा रही है 17 फरवरी से, उसके बाद में स्टूडेंट के मन में एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि जो पेपर होने वाले हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो या फिर लास्ट सेमेस्टर का हो, वो ऑनलाइन मोड में होंगे या फिर ऑफलाइन मोड में होंगे। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस पर एक नोटिस जारी करा है, तो इसमें बात करने वाले कंप्लीट कि कौन कौन से सेमेस्टर के पेपर ऑनलाइन होने वाले हैं और किसके ऑफलाइन होने वाले हैं, या फिर दोनों ही ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन होने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और अकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहते। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये नोटिस है, आप देख सकते हो 11 फरवरी को रिलीज किया गया है, मींस आज ही रिलीज करा गया है। इस नोटिस में दो पैराग्राफ दे रखा है, दोनों पैराग्राफ में दो बातें बताई गई हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जो कि अप्रैल और मार्च में होने वाले हैं, मींस ऑड सेमेस्टर, और सेमेस्टर मींस फर्स्ट, थर्ड या फिर फिफ्थ या फिर सेवेंथ, जो भी आपके एग्जाम्स ये होने वाले हैं, ये आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे, ओबी मोड में होंगे। मींस जो भी आपके ऑड सेमेस्टर है वो आपके ओबी मोड में होने वाला है, मींस फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर थर्ड सेमेस्टर का या फिर फिफ्थ सेमेस्टर का या फिर सेवन्थ सेमेस्टर का, ये आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ये आपका ऑफलाइन मींस फिजिकल मोड में नहीं होगा, ओबी मोड में होगा। अगर आप में ये लिख रखा है कि जो भी मई में आपके एग्जाम होने वाले हैं, मींस आपके इवन सेमेस्टर हैं, सेकेंड या फिर फोर्थ या फिर सिक्स या फिर एट, वो आपके फिजिकल मोड में होंगे, मींस आपके ऑफलाइन मोड में होंगे। और लास्ट में यहाँ लिख रखा है द डिटेल गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इशूड शॉर्टली, इसके बारे में जो भी आपकी गाइडलाइन है बहुत ही जल्दी इशू हो जाएगी। अब ये हमारे सामने क्लियर है कि जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं ये आपके ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में, ये क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से सेमेस्टर के ऑनलाइन मोड में होगा, मीन्स कौन कौन से सेमेस्टर का एग्जाम ओपन बुक होगा और कौन कौन से सेमेस्टर का एग्जाम आपके फिजिकल मोड में होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप ये क्लियर भी हो गया है। तो मैं बात कर लेता हूँ क्या नोटिस ये सही है या फिर फेक है। तो मैं चलता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे, जो कि एग्जामिनेशन वाली ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे दिखते हैं क्या दे रखा है या कि नहीं दे रखा है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन की ऑफिशियल साइट है। जब आप नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आओगे तो पहला जो आप नोटिफिकेशन है यहाँ पे देख सकते हो, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन मार्च अप्रैल 2022 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। तो ये पहला नोटिस है जो कि आज ही रिलीज करा गया है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो भी नोटिस आपको मिली हुए किसी भी ग्रुप के थ्रू या भी जैसे भी आई हो, वो ऑफिशियल है, फेक नोटिस नहीं है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।